हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं पीमेट 2023 के बारे में। जी गाइस, यहाँ पे पीमेट का फुल फॉर्म है, यहाँ पे पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, यहाँ पे पीमेट 2023 का फुल फॉर्म है। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग पीमेट 2023 के बारे में हर एक डिटेल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दे, तो पंजाब पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट पीमेट का फुल फॉर्म है, जो कि स्टेट लेवल एग्जाम है। और यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आप लोगों को पैरामेडिकल कोर्सेज में यहाँ पे बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आपका एडमिशन मिल सकता है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन में रिलीज किया जाता है। सो गाइस, ये तो इसके हाइलाइट्स, अब इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइक यहाँ पे बात करेंगे अगर इसके एग्जाम डेट्स की, तो गाइस अभी तक जो है आप लोगों की यहाँ पे एग्जामिनेशन की डेट्स, यानी कि आपका एप्लीकेशन कब रिलीज होगा, एडमिट कार्ड कब अवेलेबल कराया जाएगा डाउनलोडिंग के लिए, एग्जाम कब कंडक्ट रहेगा, ये सारी डेट्स अभी तक रिलीज नहीं की गई है। जैसे ऑफिशियल अथॉरिटी डेट्स अनाउंस करेंगे, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे और उस वीडियो में आपको हर एक इवेंट की डेट एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट, मूव ऑन टू एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइस, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जब आपने कोई भी गलती की, कोई भी मिस्टेक किया, कोई भी इनवैलिड डिटेल्स अगर आप एंटर करते हैं, तो गाइस आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट ना हो। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स रहते हैं पहली बार एप्लीकेशन फिल कर रहे होते, कोई आइडिया नहीं होता किस प्रिस्क्राइब साइज में, फॉर्मेट में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सिग्नेचर स्कैन करके अपलोड करना है, किस तरह से डिटेल्स एंटर करनी, जस्ट किसी भी तरह से एप्लीकेशन फिल करते हैं, सबमिट कर देते हैं। तो गाइस आपको ये प्रॉब्लम फेस है, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे एक वीडियो बनाएंगे। जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा, फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को पे करके बताया जाएगा। तो गाइस मेक श्योर कीजिएगा अपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में। अब गाइस नेक्स्ट बात कीजिए एप्लीकेशन फीस की, तो आप लोग अपने एप्लीकेशन में डायरेक्टली क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो गाइस, आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना काफी ज्यादा कंपलसरी मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ पे पीमेट 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते, तो आप लोग यहाँ पे इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं, आप यहाँ पे इस एग्जाम के लिए आप लोग जो अप्लाई नहीं कर सकते। तो गाइस क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले गाइस, आप लोग यहाँ पे भारतीय नागरिक रहने चाहिए, आप लोगों की जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 23 इयर्स रख दी गई, 23 इयर्स से ज्यादा आपकी एज नहीं रहनी चाहिए, मिनिमम 55% आपके आए हुए रहनी चाहिए, और रिजर्व कास्ट के लिए 50% यहाँ पे रखे गए हैं। नेक्स्ट गाइस बात कीजिए एग्जाम पैटर्न की, तो आप लोगों का जो गाइस एग्जाम में यहाँ पे सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन में से जो भी ऑप्शन सही लगे, सिंपली एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। 200 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, हिंदी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, एलिमेंट्री हिंदी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब गाइस नेक्स्ट सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते थे, इसलिए सिलेबस की लिंक आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप डायरेक्टली जो अपना सिलेबस कंप्लीटली चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही वहां पे आपको जो है डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लिंक स्टडी मटेरियल की मिल जाएगी, वहां से अपना स्टडी मटेरियल भी डायरेक्टली आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, मूव टू एडमिट कार्ड। सो गाइस, आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है यहाँ पे पीमेट 2023 का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एडमिट कार्ड यहाँ पे क्या होता है, एडमिट कार्ड जो बेसिक सी डिटेल रहती है, लाइक आपका फोटोग्राफी का सिग्नेचर, सब्जेक्ट्स, टाइमिंग्स, एग्जाम के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है तो स्टूडेंट्स को पता नहीं चल पाता कि एडमिट कार्ड रिलीज हुआ है, और एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, ऑफिशियल लिंक कौन सा, यही नहीं पता होता। तो गाइस आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। जैसे एडमिट कार्ड रिलीज होगा, उसके ऊपर वीडियो बनेंगे, लाइव एडमिट कार्ड डाउनलोड करके बताएंगे, एंड आप लोगों को वीडियो नोटिफाई कर दिया जाएगा, जिससे आप लोग डायरेक्टली अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। सेम एज इट इज फॉर आंसर की, रिजल्ट एंड काउंसलिंग सारे इवेंट्स के लिए आपको इसी तरह से जो है लाइव प्रोसेस करके वीडियो नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो गाइस, नाउ आई होप आप लोगों को पीमेट 2023 के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट नहीं होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।